बिहार वो धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है। बिहार वो धरती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व मां भारती को दिए हैं। और ये सच्चाई है, जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब भारत समृद्ध रहा है। इसलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना उतना ही जरूरी है। मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति, सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, एनडीए की डबल इंजन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यहीं बिहार में नौकरी मिले, यहीं बिहार में रोजगार मिले। आज जिन हजारों करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उसके मूल में भी यही भावना है। आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी कौन है? इसका सबसे अधिक लाभ उन नौजवानों को होगा जो अभी
रोजगार करना चाहते हैं, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आज गंगा जी पर 6 लेन के केबल आधारित ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। बिहार में 22,000 करोड़ रुपए से 1 दर्जन से अधिक पुल पर काम चल रहा है, जिनमें से 5 पुल तो गंगा जी पर बन रहे हैं। ये पुल, ये चौड़े रास्ते ही वही तो विकास का मार्ग बनाते हैं, उद्योगों को लाते हैं। ये जो बिजली से चलने वाली ट्रेनें चल रही है, वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चलने लगी है, ये गति किसके लिए है? ये उन नौजवानों के लिए है जिनके माता पिता ने ऐसी सुविधाओं के सपने देखे थे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है। इसमें मजदूर हो, ड्राइवर हो, सर्विसेज से जुड़े लोग हो, इंजीनियर हो, ऐसे अनेक क्षेत्रों के रोजगार इससे पैदा होते हैं। यानी ये जो हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा रही है, ये पैसा बिहार के सामान्य परिवारों के पास ही पहुंचेगा। इससे रेत, पत्थर, ईंट, सीमेंट, स्टील, ऐसे अनेक उद्योगों को, फैक्ट्रियों को, छोटे छोटे दुकानों को बल मिलने वाला है। साथियों, ये जितनी भी नई ट्रेनें चल रही हैं, पटरियां बिछ रही हैं, ये सब कुछ आज भारत में ही बन रहा है। मेड इन इंडिया है, यानी इसमें भी भारत के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार में भी रेल इंजन बनाने वाली आधुनिक फैक्ट्रियां एनडीए सरकार ने बनाई है। आज पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया की बहुत बड़ी चर्चा है। और मैं आपको एक बात और बोलूं, आज कई विकसित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्था नहीं है जो बेतिया में, चंपारण में उपलब्ध है। विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी, आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया? तब मैं उन्हें कहता हूं कि मोदी ने नहीं, ये भारत के नौजवानों ने किया है। मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है। और विकसित बिहार के लिए आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूं। और रउआ जानते बानी, मोदी के गारंटी मने गारंटी पूरा होके के गारंटी। साथियों, एक तरफ नया भारत बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इनका इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि
कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूछते जो मोदी से पूछ रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार के कट्टर समर्थक ये आज पूज्य बापू, जेपी लोहिया, बाबा साहब आम्बेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। साथियों, आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। इसलिए आज हर भारतीय कह रहा है, हर गरीब, हर नौजवान कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं हम बानी मोदी के परिवार। साथियों, मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूं, इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुफ्त राशन दे रहा है, मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहा है। मैं चाहता हूं कि महिलाओं की जिंदगी से कठिनाइयां कम हो, इसलिए मोदी महिलाओं के नाम पक्के घर दे रहा है, टॉयलेट दे रहा है, बिजली पहुंचा रहा है, गैस का कनेक्शन लग रहा है, नल से जल की सुविधा हो रही है, ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इसलिए मोदी रिकॉर्ड संख्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है, एम्स बना रहा है, आईआईटी बना रहा है, आईआईएम बना रहा है। ऐसे आधुनिक शिक्षण संस्थान मेरे नौजवानों के भविष्य के लिए बना रहा है। मैं चाहता हूं मेरे देश के किसानों की आय बढ़े, वो और सशक्त हो, इसलिए मोदी अपने अन्नदाता परिवार को ऊर्जा दाता और उर्वरक दाता बना रहा है। आज बिहार समेत देश भर में इथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि गन्ना किसानों, धान किसानों की उपज से देश में गाड़ियां भी चले
और किसानों की कमाई भी बढ़े। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने गन्ने की खरीद का दाम 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की है। इसके तहत देश में बिहार में हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। बिहार के मेरे छोटे छोटे किसान परिवारों का जीवन आसान हो, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। यहां बेतिया के ही किसानों को करीब करीब 800 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के मिले हैं और इन परिवारवादियों ने आपके साथ क्या किया, इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। यहां बरौनी का खाद कारखाना कब से बंद पड़ा था, इन परिवारवादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई। मोदी ने किसानों को, मजदूरों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी। आज ये खाद कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नौजवानों को रोजगार भी दे रहा है। और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं है और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। यहां बेतिया में मां सीता की अनुभूति है, लव कुश की अनुभूति है। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। आज भारत अपनी विरासत, अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है, तो इन लोगों को इसकी भी परेशानी हो रही है। साथियों, ये क्षेत्र प्रकृति प्रेमी थारू जनजाति का क्षेत्र है। थारू समाज में प्रकृति के साथ प्रगति की जो जीवन शैली हम देखते हैं वो हम सबके लिए सबक है। आज अगर भारत प्रकृति की रक्षा करते हुए विकास कर रहा है तो इसके पीछे थारू जैसी जनजाति की भी प्रेरणा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास चाहिए, सबकी प्रेरणा चाहिए, सबकी सीख चाहिए, लेकिन इसके लिए एनडीए सरकार का 400 पार होना उतना ही आज जरूरी है। है कि नहीं है? कितना कितना देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एनडीए गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीए
युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने के लिए एनडीए, गरीबों को पक्के घर देने के लिए एनडीए, 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए एनडीए, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए एनडीए, देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए, विकसित भारत विकसित बिहार के लिए एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।